गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम संयुक्त राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, जिसको हम सुरक्षा परिषद या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद की तुलना में, सुरक्षा परिषद महासभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली अंग है और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने का जो कार्य है वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगर बात सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य संख्या की जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह संख्या 11 थी, 1965 में सदस्य संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई, यानी 1965 तक सदस्य संख्या कितनी थी? 11, जिसमें और वर्तमान में सदस्य संख्या हुई 15। 15 सदस्यों में 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और उन सदस्यों में हम नाम गिना सकते हैं अमेरिका, दूसरा जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, यानी ये 5 सदस्य P5 के नाम से जिनको जानते हैं, परमानेंट 5, स्थायी 5 सदस्य। ये सदस्य इसके स्थापना के समय ही इनकी संख्या 5 थी और ये सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य कहलाते हैं, क्योंकि इनकी सदस्यता कभी जाती नहीं है, ये हमेशा स्थायी ये सदस्य इसके बने रहते हैं। उसके बाद में जो शेष 10 सदस्य हैं, इनका चुनाव प्रति 2 वर्ष में और महासभा के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से किया जाता है, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद में इनकी सदस्य संख्या, या ये कहें कि स्थायी सदस्यों की सदस्यता 2 वर्ष के लिए बनी रहती है और 2 वर्ष पश्चात नए सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? महासभा करेगी अपने 2/3 मेजोरिटी से, वो क्या करेगी? नए सदस्यों का चुनाव करती है। और इन अस्थायी सदस्यों या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चयन का जो आधार है या इनका जो नियुक्ति की जाती है, उसके मोटे रूप में हम 2 आधार बता सकते हैं। एक तो कि संबंधित राष्ट्र, जिस राष्ट्र का चुनाव किया जा रहा है, वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने में अपना कितना योगदान देता है, या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में उसके योगदान के आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है। और दूसरा जो आधार है इसका, वो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि इस भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो अलग अलग दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व इसमें मिले, यही प्रयास होता है। और इसके लिए एक जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है कि अस्थायी सदस्यों में जो 5 सदस्य होंगे वो एशिया और अफ्रीका क्षेत्र से होंगे। कुल 10 सदस्यों में से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका क्षेत्र से होंगे, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिका से होंगे, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से होगा और शेष 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 10 सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष बाद में उनकी सदस्यता, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में होते हैं। अब यहां एक विशेष बात यह आती है कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों में जो बेसिक अंतर है वो क्या है, और ये कहें कि जब सुरक्षा परिषद कोई कार्य करती है, सुरक्षा परिषद अपनी ओर से एक प्रस्ताव लाती है और उस प्रस्ताव को पास सुरक्षा परिषद में करना होता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए जो मेजोरिटी है, कुल जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्यों का बहुमत किसी प्रस्ताव पर होना मिलना चाहिए।
लेकिन इन 9 सदस्यों के साथ साथ एक और शर्त है, वो शर्त यह है कि ये 9 सदस्यों में से जो परमानेंट 5 है, जो P5 है, उनका होना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब पांचों स्थायी सदस्य और उसके अलावा कम से कम 4 सदस्यों का समर्थन और मिलना चाहिए। इस प्रकार कुल 9 सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों सदस्यता में क्या अंतर है, तो इसका एक बड़ा अंतर यह है कि जो परमानेंट 5 है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 सदस्यों को वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। यूएनओ के चार्टर में जो आर्टिकल 27(3) आर्टिकल 27 के जो बंद है 3, उसके अंदर वीटो का जिक्र किया गया है। अब स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि वीटो क्या है, क्योंकि हम बार बार वीटो शक्ति के बारे में या वीटो पावर के बारे में जानते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते कि क्या है ये, वास्तव में ये वीटो है क्या। तो देखिए बच्चों, वीटो की अगर बात की जाए तो वीटो एक निषेधाधिकार है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये मतलब वीटो का मतलब है किसी प्रस्ताव को रोकना या किसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देना। जैसे मान लो सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आया, सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, तो कोई भी एक स्थायी सदस्य, कम से कम कितना, एक स्थायी सदस्य भी उस प्रस्ताव को अगर पास करने से मना कर दे, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसको वीटो कर दे, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यह है वीटो की शक्ति। तो 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति दी गई है कि वो किसी भी प्रस्ताव को, 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी किसी भी प्रस्ताव को किसी भी समय रोक सकता है, और ये शक्ति कहलाती है वीटो की शक्ति। और वीटो के साथ साथ एक चीज हो जाती है, और वो है दोहरा वीटो। दोहरा वीटो क्या है? देखिए बच्चों, ये वीटो की जो शक्ति है, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर दी गई है, ये वीटो पावर प्रक्रिया संबंधित मामलों में नहीं लगाई जा सकती। यानी जो मामले हैं, जो प्रस्ताव आते हैं, जो प्रक्रिया संबंधित मामले आते हैं, उनमें वीटो नहीं किया जा सकता। लेकिन वापस कौन सा मामला, जैसे कोई मामला है उसको प्रक्रियागत माना जाए या नहीं माना जाए, इस पर वापस स्थायी सदस्यों को यह शक्ति है कि वो उस मामले के निर्धारण में कि अमुक मामला प्रक्रिया संबंधित मामला नहीं है या प्रक्रिया संबंधित मामला है, तो उसको वापस स्थायी सदस्य क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, और यही कहलाता है दोहरा वीटो। यानी एक तो डायरेक्ट वीटो उनको प्राप्त है, दूसरा यह है कि यूएन चार्टर में यह लिखा गया कि जो यूएनओ की जो प्रक्रियागत मामले हैं उनके अंदर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन अमुक मामला प्रक्रियागत है या नहीं है, इस प्रस्ताव को वापस स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो किया जा सकता है, तो यह कहलाता है दोहरी वीटो की शक्ति। एक बात हमें यहां विशेष रूप से ध्यान रख लेनी है, वो ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या जो इसको शक्ति प्राप्त है, जो इसको पावर प्राप्त है, और वो पावर है, वो है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। यानी इसका मूल ड्यूटी है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। और एक बात और, यूएनओ के जितने अंग हैं, हमने 6 अंगों की बात की, यूएनओ के कुल महत्वपूर्ण कौन से अंग हैं, 6 अंग हैं, जिनमें महासभा की हम बात कर चुके, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे दूसरे अंगों की बात करेंगे, लेकिन अभी जब सुरक्षा परिषद की बात हो रही है तो हम यहां ये देखेंगे कि सुरक्षा परिषद अन्य सदस्यों से ज्यादा व्यापक शक्ति वाला है, या सुरक्षा परिषद की शक्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएनओ का मुख्य कार्य ही दुनिया को विश्व युद्धों की विविधता से बचाना था, या ये कहें कि विश्व युद्धों से बचाना था। ऐसी स्थिति में ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व किसको दिया गया, सुरक्षा परिषद को दिया गया। इसलिए सुरक्षा परिषद शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए संबंध में कार्य करती है, इसकी शक्तियां अत्यधिक व्यापक है। और देखिए, क्योंकि इसका कार्य दुनिया में उत्पन्न होने वाले युद्ध
या संकट से निपटना होता है, तो इसके लिए किस प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उस संकट को टालने का प्रयास करती है, किस प्रकार से उस युद्ध को रोकने का काम करेगी, इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रोविजन यूएनओ के चार्टर में किया हुआ है। और इसमें होता क्या है कि जैसे युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं, या कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले किसकी ड्यूटी बनेगी? महासचिव। महासचिव क्या करेंगे? सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का आयोजन करेंगे, उसकी बैठक बुलाई जाएगी। और यही कारण है कि ये होता है कि जो सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं उन राष्ट्रों को यह निर्देश होता है कि उनका एनी टाइम 24 आवर्स उनका प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि महासचिव किसी भी समय क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला सकते हैं। तो उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाने के बाद सुरक्षा परिषद को उस मामले से अवगत करवाया जाता है, और उसके पश्चात सुरक्षा परिषद अपना कार्य शुरू करती है। अब सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने के दो तरह के उपाय बनाती है, दोहरे उपाय हैं इसके। एक तो यूएनओ का जो चार्टर है उसके अध्याय 6 में जिन उपायों की बात की गई है वो है शांतिपूर्ण उपाय। मीन्स जैसे कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है, या कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट बनता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी? शांतिपूर्ण उपाय करेगी। और शांतिपूर्ण उपायों में क्या होता है? जैसे जांच पड़ताल करना, मामले की जांच पड़ताल करेगी, वार्तालाप करवाएगी, जिन पक्षों में डिस्टरबेंस पैदा हुआ है उनमें आपस में वार्तालाप, सत्सेवा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगी, उनमें मध्यस्थता का कार्य करेगी, पंच निर्णय और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, यानी ये कहें कि इन तरीकों से वो क्या करेगी? शांतिपूर्ण तरीके से संकट को समाधान करने का प्रयास करेगी। अगर मान लो यूएनओ के चार्टर के अध्याय 6 में दिए गए शांतिपूर्ण उपायों से युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, या किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर किया गया आक्रमण नहीं रुक रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 में यूएनओ को कुछ बाध्यकारी उपाय ढूंढने होंगे। और वो बाध्यकारी उपाय क्या है? सबसे पहले मान लो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रस्ताव लेकर आएगी आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध, कौन सा राष्ट्र आक्रमण कर रहा है उसके विरुद्ध क्या करेगी, एक प्रस्ताव लाएगी। और उस प्रस्ताव में पहले तो उस राष्ट्र पर कुछ नैतिक दबाव डाले जाएंगे, या कहें कि कूटनीतिक दबाव डाले जाएंगे, कूटनीतिक तरीके से उस राष्ट्र को अपनी कार्यवाही को रोकने के लिए बाध्य किया जाएगा। उसके बाद अगर कूटनीतिक स्तर पर वो सफल नहीं होते तो उसके पश्चात शुरू होता है उसका आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जाएगा। और अगर कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाने से मामला नहीं सुलझा, आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी संबंधित राष्ट्र या आक्रमणकारी राष्ट्र है वो अपनी कार्यवाही, आक्रामक कार्यवाही को नहीं रोक रहा, तो उसके बाद में सैनिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। और इसके लिए क्या होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मिलिट्री स्टाफ कमेटी बनाई जाएगी, मिलिट्री स्टाफ MSC यानी मिलिट्री स्टाफ कमेटी। ये मिलिट्री स्टाफ कमेटी महासचिव द्वारा गठित की जाएगी, और मिलिट्री स्टाफ कमेटी है उसके माध्यम से आक्रमणकारी राष्ट्र पर सैनिक कार्यवाही की जाएगी, और इससे संबंधित जो सदस्य राष्ट्र हैं उनसे अपनी सेना देने के लिए आग्रह किया जाएगा, और इस प्रकार से उस सेना आक्रमणकारी राष्ट्र के साथ संघर्ष कर या उसकी कार्यवाही को रोकने का काम करेगी, उस राष्ट्र पर आक्रमण करेगी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व किसको दिया गया? सुरक्षा परिषद को दिया गया। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। 1950 में कोरिया संकट के समय सैनिक कार्यवाही की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद 1991 में इराक में सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पर आक्रमण किया, या खाड़ी युद्ध, खाड़ी संकट उसको बोलते हैं, उसके अंदर भी अमेरिका के नेतृत्व में, या ये कहें कि
मिलिट्री स्टाफ कमेटी के माध्यम से सैन्य कार्रवाई इराक के विरुद्ध की गई और कुवैत को स्वतंत्र कराया गया। तो इस प्रकार से ये कार्य सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा संपन्न होते हैं। बच्चों यहाँ एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में ये मांग जोरों पर है रही कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य संख्या है वो बहुत कम है, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों को जो देश एशिया अफ्रीका बड़े क्षेत्र हैं वहां से स्थायी सदस्यों की संख्या बहुत कम है। विशेष रूप से जैसे G4 का नाम आपने सुना होगा, G4 के राष्ट्र हैं वो अपने आप को ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाए जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस G4 में भारत भी शामिल है। इसका मतलब भारत भी UN की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास लंबे समय से कर रहा है और भारत के अपने तर्क हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लासों में वैसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम UN के जो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।